बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। इन्फो न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूँ इकरालियागत जी। आज हम लोग मौजूद हैं आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज में, जहाँ पे मैंने देखा कि एक बड़ा ही चुलबुला ग्रुप आया हुआ है गर्ल्स का। स्कूल गर्ल्स हैं, उनसे मैं बात करूँगी कि उनके हैं क्या ख्वाब और ज़िंदगी में कौन कौन से कारनामे उन्होंने कर लिए हैं और मज़ीद क्या क्या कारनामे करेंगी, उन्हीं से जानेंगी, उन्हीं की कहानी, उन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मरियम एजाज़। मरियम बड़ी खूबसूरत है। थैंक यू। कौन सी क्लास में? 10th। आगे फ्यूचर में क्या करना है? डॉक्टर बनूंगी। कितने बहन भाई? 5 सिस्टर है मेरी। 5। यस। आप सबसे बड़े हो? सबसे छोटी। सबसे छोटी। लास्ट पीस जी, लास्ट। क्या सुनाना चाहेंगे मेरे देखने वाले? कोई गाना। रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की खाली तेजोरियाँ, काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरिया, ये जरिया तेरा इश्क है पिया। तेरे दिल से ना कभी खेलूंगा, सारे रात सपने मैं तुझको दे दूंगा, मेरी जान तूने मुझको पागल है किया, मेरा लगता ना जिया तेरे बगैर, तू मान मेरी जान मैं तुझे जाने ना दूंगा, मैं तुझको अपनी आंखों में बसा के रखूंगा। बहुत शुक्रिया मरियम, बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक। हिफ्सा, क्या करेंगी बड़ी होकर? फ्यूचर के क्या प्लान? बनना तो मुझे सोल्जर है, बस मेरे माँ बाप कहते हैं इंसान बन जाओ किसी तरह। क्यों, आप इंसान नहीं है? तंग बहुत करती हूँ उन्हें। अच्छा, मतलब वैसे इंसान है लेकिन तंग? हाँ, बहुत तंग। मुझे तो हर तरफ से इंसान मेरे मतलब घर वालों को लगता है कि मैं बहुत तंग करती हूँ उन्हें। तो बच्चे थे इस उम्र में, तो बच्चे शरारती हैं। आप कौन सी सबसे बड़ी जो ऐसी शरारत करती है जिसे अम्मा जूता उठा? मैं घर पढ़ू ना, तो वो तो सारे बच्चों का यही हाल है, नहीं पढ़ता। मेरी मम्मा मतलब बोलती रहती है पढ़ लो, फिर मैं कितनी अच्छा भी पढ़ लूंगी, फिर भी नहीं पढ़ती। बहुत अच्छा काम है। फ्यूचर में शादी वादी करा दोगी? नहीं, मैं गालिब बनूंगी। गालिब बनेगी। चले फिर गालिब का कुछ है सुनाओ। हर चेहरे को इतनी हसरत से ना देख गालिब, हर चेहरे पर कोई ना कोई महबूब होता है। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फातिमा। फातिमा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10th है। 10th। बड़े होकर क्या बनने का इरादा? पता है, सोचा नहीं है अभी कुछ। अभी बड़े नहीं? डॉक्टर बनना है, आर्मी में भी जाना है, CSS भी करना है, और पता नहीं कौन सा करूँ। कौन सा? मम्मा क्या चाहती है? मम्मा CSS जाती हैं, पापा आर्मी में जाते हैं, और मैं तो पता नहीं क्या चाहती हूँ। तुम क्या चाहती हो? ये ना हो इंटर के बाद पता चली फातिमा ने शादी कर ली। शादी नहीं करनी। चेहरा बड़ा मासूम है आपका। इतनी मासूम भी लगती है। जी, मैं मासूम हूँ। पक्की बात जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? उमर सलामत। उमर, कितने साल के हो? मैं 19 का। 19 के, माशाल्लाह। कद कितने? 6। तो अभी तो और भी खेस रहे। नहीं, बस बहुत है इतना। नहीं लग रहा है 7 को पहुंच जाओगे। नहीं, इतना बहुत है। मैं तो देखो, मैं तुमसे कितना बड़ी, छोटी सी लगी। आप भाई छोटी। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं और बड़े होके क्या? मैं BS इंग्लिश कर रहा हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर है अभी, तो बड़े होके इंशाल्लाह CSS करनी है। आप तो वैसे बहुत बड़े, और कितना बड़े? और बहुत बड़े होना है बस। कितने? 7? नहीं, हाइट बड़ी नहीं होनी ना, बड़ा इंसान बनना है। अच्छा, बड़े इंसान बनना है, CSS करना है और बड़े इंसान बनना है। क्या कहेंगे? ये अच्छी बात है। मेहनत करें और क्या कह सकते हैं। आप तो मेहनत कर रहे हैं, देखने वाले भी मेहनत करें अपनी फील्ड में, तो बस अल्लाह आपको कामयाब करे सबको। आपकी फैमिली हाइट इतनी है या आपकी कहने? नहीं, सबकी हाइट इतनी है माशाल्लाह। मेरा बुक 6 है माशाल्लाह। ये तो आपके छोटे से भाई। वाह सलाम। क्या नाम है आपका? असलान। आपका दोस्त इतना लंबा है, आप इतने छोटे हैं, तो कभी कैसे सिलाते? बस ये नेचुरल प्रोसेस है। मतलब उनको नीचे आना पड़ता है या आपको ऊपर जाना पड़ता है? वो नीचे आते हैं। वो कैसे नीचे आते हैं? आपको करके दिखाएं जी, कैसे नीचे आते हैं, ये चेक करें जी। क्या कहते हैं आप? BS इंग्लिश। इतना मुश्किल सब्जेक्ट क्यों चूज किया? बस शौक। इंग्लिश CSS के लिए ना, तो काफी कंफर्टेबल था जी। CSS के लिए, तो CSS करने के बाद कौन सी फील्ड में आएंगे आप? CSS के बाद असिस्टेंट कमिश्नर इंशाल्लाह। पैसे कमाने के लिए बस शौक है असिस्टेंट कमिश्नर बन के। खिदमत करने का शौक है या खुले पैसे? खिदमत करना, आवाम की खिदमत करना शौक है। तो हम ही करेंगे ना, एक ऑफिसर जी करते हैं ना, ऑफिसर जी बिल्कुल हम इंशाल्लाह। मैं गल समझ गई जी। आप हमजा शिराज, हमजा आप क्या कर रहे हैं? बीएस इंग्लिश। आपने क्या करना है बड़े? कुछ भी नहीं, इतना खास नहीं, अपना बिजनेस करना है, फैमिली बिजनेस है, उसको कंटिन्यू करना, आगे चलाना है। आप फिर बीबीए में? ये मेरे एक अपना जो शौक था वो इसमें डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया की तरफ है, तो उसके लिए इंग्लिश मस्ट थी, तो मैं इस फील्ड में आया। उसके लिए इंग्लिश मस्ट थी, बीएस इंग्लिश मस्ट थी, वो इसलिए कि डिग्री मिल जाएगी तो इसलिए। अच्छा इंप्रेशन और ताड़ियां। कोई गाना आता है कि हमें वो इतना शौक नहीं है इसका। कुछ अच्छी बात आती है देखने वाले? अच्छी बात यही है कि अपनी फील्ड में ना बी पॉजिटिव रहें और मेंटली और स्ट्रांग रहें। यहाँ पे बुक फेयर में आए हैं, कैसा लगा? बहुत अच्छा माशाल्लाह, माहौल अच्छा है। क्या नाम है आपका? बिलाल। बिलाल कौन सी क्लास? 8 क्लास में। बड़े नहीं हो? अल्लाह जाने, अल्लाह जाने। कितने साल के? मैं 15 साल को। 15 साल के हो? मैं आगे जाके क्या? आगे जाके मंडी अभी पता नहीं आगे जाके क्या करना है, अभी कुछ फिलहाल। अम्मी अबू? अम्मी अबू वो भी कुछ नहीं चाहते। तुम भी कुछ नहीं चाहते? जी पहले यहाँ सिर्फ जी देखने वालों को कहेंगे बस। क्या नाम है आपका? रैन अब्बास। रैन बहुत खूबसूरत है, थैंक यू। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 3। रैन आप 3 क्लास में पढ़ती हैं और आपने बड़ी मजे की बुक पकड़ी हुई है, तो यहाँ पे मेले में आई है, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग गया है। आप पढ़ना किताब पढ़ना पसंद करती हैं या मोबाइल में पढ़ना देख के पढ़ना पसंद करती? मैं किताब पढ़ना पसंद करती हूँ। बड़े होके क्या बनना है? डॉक्टर। पक्की बात है? पक्की बात है। चलें जी, विश यू गुड लक। क्या पोएम आती है? आती है, सुनाएं। Twinkle twinkle little star, how I wonder what you are। थैंक यू, वेलकम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हंजला। हंजला कौन सी क्लास में पढ़ते हो? ग्रेड 6। ग्रेड 6 में कौन से स्कूल से हो? विंडसर इंटरनेशनल स्कूल। बुक्स पढ़ते हैं या? कौन सी बुक पसंद है? वी बेयर बेयर्स वाली। उसमें कोई अच्छी लाइंस आती हैं तो सुनाओ मुझे। नो। कोई पोएम आती है? नो। ओके थैंक यू। क्या नाम है आपका? इनाया बतूल। इनाया कौन से स्कूल में और कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 4 क्लास में पढ़ती हूँ और डीएम स्कूल में। डीएम स्कूल में कौन सी बुक पसंद है क्लास में? इंग्लिश की अच्छी लगी। इंग्लिश? हाँ। यहाँ पे बुक्स पसंद है? स्टोरी बुक्स पढ़ना पसंद है? हाँ। स्टोरी बुक्स ज्यादा पढ़ती है या मोबाइल ज्यादा देखती है? मोबाइल ज्यादा देखती है। गोल गोल मालटा मैं खावा कि मैं तेरा घर दूर में आवा कि ओए होए 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 छोटी आवाम। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? इनाया खान। इनाया आपकी आईज का कलर बड़ा खूबसूरत है, लेंस लगाए हुए? नहीं लगाया। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 4। कोई पोएम आती है? कुछ आते पर अच्छा नहीं आता। जो आते सुनाओ। Twinkle twinkle little star, how you wonder what you are। आपकी फेवरेट टीचर कौन सी है? मैम सनाम। कौन सी क्लास में? ग्रेड 6, Windsor स्कूल सिस्टम। कौन सी बुक पसंद है पढ़ना? टोक डायरीज। उसमें कुछ पढ़ा है तो बताएं क्या पढ़ा? I've read it and it's kind of I can relate to it very much and it's just so like realistic and it's funny as well, so I read it a lot. Thank you. क्या नाम है? इब्राहिम ताहिर। इब्राहिम बड़े शरारती हो? Yes. कौन सी क्लास में? ग्रेड 6। बड़े होके क्या बनो? बड़े होके सोल्जर। सोल्जर? जी पक्की बात है। स्माइल के क्या कोई बात है? नहीं। कौन सी बुक पसंद है? स्टार वॉर्स। इसमें क्या पसंद है? इसमें वॉर्स हैं तो वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, उनमें वो डिटेल देते हैं कि कैसे अगर आप कभी फंस जाए वॉर में तो आपको कैसे उससे निकलना है। कोई अच्छा मैसेज देना चाहेंगे अपने जैसे बच्चों को? कुछ कहना चाहेंगे? रीड बुक्स एंड यू विल गेट नॉलेज फ्रॉम द बुक्स। थैंक यू, वेलकम जी। इस्लामाबाद इंतजामिया की जानिब से कैपिटल बुक फेयर का इनका किया गया, जो कि एक बड़ा ही ऐसा निकदाम है। इसमें मुख्तलिफ स्कूल्स कॉलेजेस के बच्चे और बच्चियां यहाँ पर आए, जिससे उनमें किताब की अहमियत की रोशनासाई करवाई जा रही है कि किताब की हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है, क्योंकि माशरे का तहजीब व तमद्दुन जो है वो किताब से बड़ा जुड़ा हुआ होता है। तो हमें इस बात को अपने जहनों में रखना चाहिए कि किताब से दूरी का मतलब ये है कि माशरे में हलचल मचा देना, तो ये जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया है ये आने वालों के लिए बड़ा ही दीदा ज़ेब है और लोग आ रहे हैं और इसको देख रहे हैं और बहुत ज़्यादा इस्लामाबाद की आवाम इसको पसंद कर रही है। अपने मेज़बान इकरा लियाकत को दी इजाज़त, अल्लाह निगहबान।